बेस्ट टनल है बेटा रायपुर का ब्रूम ब्रूम के लिए, अभी सुनना। ब्रूम ब्रूम करके मजा आ गया। शाम के 5 बजने वाले हैं। आज बहुत देर से मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा मैं चिड़चिड़ाया हुआ भी हूँ, आज अपने आप से नाराज हूँ मैं, तो सॉरी गोलू तेरे ऊपर चिड़चिड़ा रहा था आज मैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और आयुष जयपुरी आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और गोलू बताएगा कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग BMW के शोरूम जा रहे हैं। उसमें अरे वाह, पोर्शे सीरीज 04 LZ 1111 कितने की कार होगी गोलू? है आप पोर्शे हो तो। आज मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ अपने आप से, इसके दो कारण में से एक कारण तो यह है कि मैं जितना खुद को प्रोडक्टिव रखना चाहता हूँ उतना हो नहीं पा रहा हूँ। एकमात्र काम है मेरा व्लॉग बनाना, वो भी मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। ये एक रीज़न है कि मैं खुद के ऊपर नाराज़ हूँ, मैं अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं आज कीटो डाइट से वापस नॉर्मल डाइट में आया हूँ। ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है एक डाइट से दूसरे डाइट में जब हम लोग जाते हैं तो वो मूड को ज़रा इफ़ेक्ट करता है, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। मैं 4 बजे पहुँचने का बोला था बट अभी 5:15 हो चुके हैं, मैं पूरे 1 घंटे 15 मिनट लेट हूँ। रायपुर का ये जो चौक है हमेशा बिजी रहता है, अक्सर ट्रैफिक जाम लगते हैं यहाँ पे। ये हम लोग पहुँच गए BMW के शोरूम, ये सारे भाई लोग भी पधारे हुए हैं। क्या हाल चाल? मस्त, मज़े में। और क्या हाल चाल? पहुँच गए हम लोग BMW के शोरूम। वैसे ये ऑफिशियल ओपनिंग आज थी शायद लग रहा है, क्योंकि इसी जगह पे पहले भी चल रहा था। बोलू मिनी कूपर भी खड़ी है। मजा आ रहा है गोलू? संस्कार, कैसे हो भैया? मस्त। गोलू भी है आपके साथ। क्या बात है, अपनी टीम बन रही है पूरी। टीम बन रही है पूरी। कैसा लग रहा है भैया सेटअप? मस्त। काम शोरूम में अंदर घुसते ही ये वो बाइक है जिसको देखने के बाद मेरी नज़र नहीं हट रही है, R18 फर्स्ट एडिशन, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है। और जितनी बड़ी जितनी हैवी है रियल में देखने में लगती है ना, क्या बताऊँ, एक अलग ही क्लास है इसका, अलग ही प्रेजेंस है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है वो अलग ही है। देखते हैं संस्कार को बोलते हैं, अगर ये स्टार्ट करने का परमिशन मिलता है ना तो आपको एग्जॉस्ट भी सुनाता हूँ। आप लोग तो सुन चुके होंगे, मैं सुनता हूँ, मैं फील करता हूँ कि कैसा लगता है तो इसको स्टार्ट करने के बाद, मतलब 1800 cc, जो कार वगैरह में, टिपिकल कार वगैरह में जो इंजन आते हैं 800, 1000, 1200 cc के, 1500 cc के, इसमें 1800 cc का इंजन है। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं इसको। अभी हम लोग उस 1800 cc बाइक को स्टार्ट करके देखने वाले हैं। थैंक यू संस्कार भाई, एक फोटो भी फोटो। अच्छा बोलो, तो ये मिल चुकी है ऑलमोस्ट 28 लाख के बाइक की चाबी, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। संस्कार भाई कैसे कैसे स्टार्ट करना है बताइए, ये तो जेब में डालना रहता है ना? जेब में रखिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं करूँगा ना। हाँ, ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। हाँ दबाइए भी एक बार। पहले तो इनिशियल इंप्रेशंस दे देता हूँ। बाइक बहुत हैवी है, वाकई में बहुत हैवी है, और ऐसे जब इसको टिल्ट कर रहा हूँ तो मेरे पैरों को पता चल रहा है कि बाइक कितनी हैवी है। संस्कार भाई के सौजन्य से आज ये स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। ये पहले ऊपर वाला एक बार वो दबा दीजिए बस। ओके, तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैंने वीडियोस में देखा है कि स्टार्ट करने पे अपना कैरेक्टर दिखाती है। ओके है भाई है। और ये ना सिर्फ स्टार्ट करने पे, जब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तब भी ये टिल्ट हो रही है। गोलू एक बार दिखा सामने, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह
थैंक यू भाई, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मजा आ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, एकदम ऐसा हो गया। ये जैसा हिल रही थी ना, सिर्फ स्टार्ट करने पे ये फील आ रही है, जब इसको रोड पे अपन लेके चलेंगे तब क्या फील आएगी। ओहो बहुत स्मूथ। कितने की है भाई ये? 28 लाख रुपीज़ 28 लाख ऑन रोड रायपुर। आपको खरीदना है संस्कार भाई से संपर्क करें। ये ऑफ और संस्कार भाई थैंक यू वेरी मच, 28 लाख का एक्सपीरियंस दे देंगे। एक वो भी दिन आएगा जब हम लोग चाबी और बाइक साथ में लेके जाएंगे। ये तो नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई लेके जाएंगे। मजा आया भाई। 158 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इसका, और भाई 158 न्यूटन मीटर ये टॉर्क है इसका। और लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाइफ की पहली मोटरसाइकिल है जिसको स्टार्ट करने के बाद मेरे को डर लगा। आज तक किसी मोटरसाइकिल में वो डर फील नहीं हुआ। तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब यहाँ पे मेरे को ऑटोग्राफ छोड़ना है। बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है मेरे को, तो मैं तो वही लिखूँगा। क्या बात है सर, मेरे लिए प्राउड मोमेंट। ये कुछ BMW की एक्सेसरीज वगैरह हैं, गॉगल्स वगैरह भी हैं, शूज, ग्लव्स। उठाना मत, लेकिन ना उठाना मत, बहुत भारी है। उधर करने की कोशिश मत करना, हाँ अब कर, पापा का सपोर्ट है, करके देख। बस बस चिंतामणि जी को इनवाइट करना चाहूँगा। ही इज द मोस्ट फेमस यूट्यूबर इन छत्तीसगढ़ एंड अ फेमस राइडर टू सर। चिंतामणि जी प्लीज आप आगे आ जाइए। थैंक यू फॉर द ऑनर, कांग्रेचुलेशंस। बोलो मिनी कूपर। हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ नाश्ता करेंगे करके, लेकिन मिनी कूपर देख के भूख मिट गई, अभी ये देख रहे हैं हम लोग। ओहो, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये लेने के लिए तो ले सकते हैं। 38 लाख भाई तो लूंगा बोल रहा था। नहीं सर, आप स्क्रीनशॉट लेके इनसे संपर्क कर सकते हो। चलो अच्छे से पढ़ाई कर फिर लेंगे। चलो इसमें शुगर है क्या? शक्कर है, अब आक्रमण किया जाए। चलो सब ले ले। चलो सब ले ले, एक एक भी। कहता है बोलिए। अच्छा पता नहीं क्या है। पेट भरा, सब्सक्राइब। थैंक यू सर, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। संस्कार भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, कर लिए हो। थैंक यू बुलाने के लिए, आप आ गया फर्स्ट ब्लॉग पे। चले गोलू। थैंक यू गोलू भाई, अपन और इवेंट्स ऐसे करते रहेंगे, राइड आइड करते रहेंगे, आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हेयर स्टाइल है भाई, एक नंबर। मजा आ गया। तो अभी रोड में दूर से BMW की कार वगैरह देखता था, अभी तू छू के भी देख सकता है, कैसा लगा? साइकिल भी देख लेना आप। चल सो बोलो, आप कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये है BMW की साइकिल। हम लोग, मैं और गोलू जब बाहर निकलते थे सड़क में, तो हम लोग दूर से देखते थे ना बेटा कि ये BMW की कार जा रही है, BMW की ये जा रही है। आज पास से देख रहे हैं, यहाँ पे दो साइकिल और है। हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मजा आ रहा है। मेरे को कार्स का उतना ज़्यादा शौक तो नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों कार को देख के मेरे को वो एक्साइटमेंट नहीं आती है। 1250 GS खड़ी होती तो शायद मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट आती, बट अच्छी कार है, मस्त है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो वेरी मच। पक्का क्या बात, चले बोलो। आज तो बहुत खुश है तू BMW देख के, और मैं भी जो चिड़चिड़ा रहा था ना, अभी यहाँ पे आके अच्छा लग रहा था, कूल काम हो गया हूँ मैं, मूड सही हो गया है। बैठ बेटा, एक दिन हम लोग भी लेंगे बेटा। अरे यहीं पे हैं, चलो वेट कर रहे थे। चलो 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 बोलू, ट्रेन जा रही है। ट्रेन बहुत दिन बाद देखा, बहुत दिन बाद देखा। बहुत दिन हो गए।
ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ए देखो फिर बंद हो गया। आज मेरे को मेरी बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। कल जब मैं वॉश के लिए जनरल चेक के लिए गया था तो शायद कोई नट वट ज़्यादा तो टाइट नहीं कर दिया हमारा हितेशवा। कल जाके दिखवाऊंगा, कल परसों में। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है। वैसे RR 310 का ये वाला जो वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, इसमें क्लच ऑलरेडी हार्ड रहता है, लेकिन अभी तो और ज़्यादा हार्ड हो रहा है। गोलू, अभी आने वाली है टनल, मस्त टनल आने वाली है बेटा। अभी बेस्ट टनल है बेटा रायपुर का ब्रूम ब्रूम के लिए। अभी सुनना, ब्रूम ब्रूम करके। मजा आया गोलू? गोलू 3 2 1 ओके भाई गो। आज के व्लॉग में बस इतना ही, शॉर्ट सा, छोटा सा, सिंपल सा व्लॉग था। किसी भी कारण से अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।